एक खबर यह है कि अमेरिका का एक डेलीगेशन पहुंच गया है ताइवान क्योंकि ताइवान में चुनाव चुना हुआ।, हुआ है दूसरी तरफ खबर आ रही है कि चाइना का विदेश मंत्री पहुंच गया है मिस्र यानी तेरे इलाके में मैं और मेरे इलाके में तू ये चल रहा है क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि भाई ताइवान कब्जे में है और अब ताइवान में वही सरकार वापस आ गई है जिसको अमेरिका सपोर्ट कर रहा था अमेरिकी संसद की कोई नेता यहाँ पे आई थी और खूब हंगामा भी चाइना ने खड़ा किया था हमारे यहाँ का मीडिया भी अपने कोई चाल चरित्र और चेहरा खूब दिखा रहा था तो अब उन सरकार की वापसी के बाद ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पर भी एक जंग का नया मोर्चा खोल दिया जाएगा रूस में जाने से पहले यानी कि जो विदेश मंत्री है नॉर्थ कोरिया की वो जाने वाली है रूस के दौरे पर लेकिन उससे पहले नॉर्थ कोरिया ने हाइपरसोनिक मिसाइल का एक और एक्सपेरिमेंट कर डाला है तो क्या अपना नया प्रोडक्ट बेचने के लिए वो रूस जा रही है तो हूतियों से जुड़ी आज की बड़ी खबर यह चल रही है कि हुतियों ने मिसाइल चलाई लेकिन अमेरिका ने उसको निष्क्रिय कर दिया क्या जानकारी है आपके पास क्योंकि पिछले लगातार तीन दिनों से तो हमले चल ही रहे हैं इस मित्र में सबसे बड़ा नाम निकल के आ रहा है कतर का लेकिन कतर बड़ा कमाल का देश है हमास के भी अड्डे हैं वहाँ ठिकाने हैं अफगानिस्तान में जो तालिबान है उनके भी वहाँ ठिकाने हैं अल जजीरा चैनल भी वहीं चलता है वो मीडिएशन इसराइल से भी कराता है बंधकों को रिहा भी कराता है मतलब वो अमेरिका का भी भला हमास का भी भला इसराइल का भी भला वो सबका भला है फिर क्या वजह है आखिर इन्हें आतंकवादी संगठन घोषित करने में बाइडन को क्या दिक्कत है क्या दुश्वारी है कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है कि ऐसा करने से जो वो जंग से बचना चाह रहे हैं वो जंग उनके मथे चढ़ी जाएगी आयोवा में जो कुछ हो रहा है उसके बाद तमाम जगह रिपोर्ट्स ये छप रही है कि डोनाल्ड ट्रंप की प्रसिद्धि बढ़ रही है कहीं उसके चलते तो जो है बाइडन के सुर नहीं बदल रहे हैं क्या बाइडेन डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि उन्हें करना क्या है या वो कुछ भी कर देते हैं और बाद में सोचते हैं क्या उनकी मनोस्थिति है उनकी उम्र का कोई तकाजा है क्या लगता है आपको ठाकड़ खबर बेबाक अंदाज ठाकड़ खबर में आपका स्वागत है मैं आपके साथ हूं अक्रम रईस खान तीन दिनों तक लगातार हुतियों पर यमन पर हमला करने के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन के सुर बदले बदले से नजर आने लगे हैं उन्होंने कहा कि हुतियों को आतंकवादियों की तरह ट्रीट नहीं किया जा सकता है जिसके बाद सबसे ज्यादा बल अगर किसी के माथे पर पड़े हैं तो वो है इसराइल क्योंकि इसराइल चाह रहा था कि हुतियों को अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी घोषित कर दिया जाए कैसे इस पूरे घटनाक्रम को देखा और समझा जा सकता है कि बाइडन के जो सुर बदले हैं क्या वाकई में सुर बदले हैं या उनकी कोई जो ये लड़ाई चल रही है उसकी रणनीति का हिस्सा है कि दो कदम पीछे हटो फिर कोई बड़ा अटैक करो क्योंकि हमने गाजा में इन तमाम चीजों को पिछले सौ दिनों के दौरान देखा है इसके अलावा अमेरिका से जुड़ा हुआ रूस से ताल्लुक रखता हुआ चाइना से ताल्लुक रखता हुआ बहुत कुछ घट रहा है पूरी दुनिया में तो इन्हीं तमाम पहलुओं पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ फिर से एक बार जुड़ रहे हैं कृष्ण कांत जी यानी के के जी भारतीय वायुसेना के रिटायर्ड ऑफिसर हैं और वाकई में जियो पर ऐसा नहीं है कि कोई खत्ता है मिडिल ईस्ट या वहां पे वो अपनी फोकस रखते हैं ज्यादा पूरे जियो पर वो अपनी पैनी नजर रखते हैं बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए थैंक यू मिस्टर क्रम शुरुआत हम करेंगे चाइना से जो चीजें सामने आ रही हैं एक खबर यह है कि अमेरिका का एक डेलीगेशन पहुंच गया ताइवान क्योंकि ताइवान में चुनाव हुआ है दूसरी तरफ खबर आ रही है कि चाइना का विदेश मंत्री पहुंच गया है, मिस्र यानी तेरे इलाके में मैं और मेरे इलाके में तू ये चल रहा है क्या बिल्कुल चल रहा है चीन और अमेरिका में आर्थिक जंग तो कई दशकों से चल रहा है और अभी काफी तेज हुआ है ट्रंप के समय में बहुत जबरदस्त बढ़ा था बाइडेन के समय में हल्का सा घटता हुआ नजर आ रहा है इसलिए नहीं कि अमेरिका शांत पड़ गया इसलिए कि उसके लिए कई और सारे फ्रंट खुल गए हैं जहां वो परेशान है जहां तक ताइवान की बात है चीन का कहना है कि वो हमारा भिन्न अंग है और ऑफिशियली अमेरिका भी मानता है कि ताइवान चीन का ही अंग है और युद्ध के द्वारा इस मसले को नहीं समझाया जा सकता है और इस साल जहां बहुत सारे 20-25 बड़े बड़े चुनाव होने वाले हैं बांग्लादेश में एक हुआ और अभी ताइवान में हुआ जहां के वही राजनीतिक दल जीते हैं जो पहले से आ रहे हैं जिनको अलगाववादी कहा जाता है और जो चीन के साथ बिल्कुल नहीं मिलना चाहते हैं बिल्कुल अमेरिकी परस्त है और उनके जीत के बाद से यह डंका पीटने के लिए जो बाइडेन को उनके पार्टी को मौका मिला कि देखो हमने कहीं ना कहीं तो जीत हासिल की यूक्रेन में भले ही हार रहे हैं फिलिस्तीन में भले ही जो चार नहीं हुआ के खिलाफ जो भी कोशिश की नहीं हो रहा है यहाँ पे तो कम से कम हुआ वो तमाशा दिखाने के लिए और एक तरह से चीन पर दबाव डालने के लिए वहां पहुंचे और इसके काउंटर में अन्य जगहों में भी चीन की पूरी कोशिश है पूरे यूरोप ही नहीं बल्कि एशिया और अन्य जगहों पर जो भी उनका रहा हो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव हो उनकी पूंजी की पहुंच पूरे विश्व पहुंच चुका है चाहे वो साउथ अमेरिका ही क्यों ना हो या एशिया के अन्य देशों में कुछ जगहों को छोड़कर वहां पे और मिश्र में जाने का यही मतलब है कि मिडिल ईस्ट में जो उनका पांव फैला हुआ है उसको और मजबूती से पकड़ सके जी बिल्कुल आपने सही कहा हालांकि उन्होंने वहां पर जाकर गाजा की भी बात की है और जंगबंदी की बात की है और इसराइल के कतलेआम पर सवाल भी उठाए हैं लेकिन अभी ताइवान पे ही रहते हैं ताइवान इतना महत्वपूर्ण क्यों है अमेरिका के लिए क्या इसलिए क्योंकि इस पूरे इलाके में अफगानिस्तान हुआ करता था वो भी आ, अमेरिका के हाथ से चला गया है इंडिया भी जो है वो पूरी तरीके से अमेरिका के साथ रही है एक अकेला पाकिस्तान बसता है और पाकिस्तान के बाद ताइवान बसता है क्या इसलिए ताइवान महत्वपूर्ण है अमेरिका के लिए सही बात है अमेरिकी पकड़ दक्षिण एशिया पर काफी कमजोर हुआ भारत की जो स्थिति उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे सबको मालूम है लेकिन बाकी जगहों में देख ले बांग्लादेश न्यूट्रल है बर्मा उसके साथ था वह अलग हो चुका है चीन और रूस के साथ जा चुका है अफगानिस्तान की बात ही छोड़ दे पाकिस्तान में भी तख्ता पलट हो गया है इसलिए अमेरिका थोड़ा अलग थलग महसूस कर रहा है दूसरे चीन के खिलाफ जो उसकी जगबंदी है आर्थिक है राजनीतिक है उसे हम देखें कि उसने कुछ वर्ष पहले काफी जोर लगाई थी हांगकांग में छह महीना से अधिक तक जबरदस्त आंदोलन चला स्वतंत्रता के नाम पर उई घर में भी उसने कोशिश की वहां वह असफल रहा अब बचता है एकमात्र ताइवान जहां उसकी भी सेना है और ताइवान पूरी तरह से कटा हुआ है जब से चीन स्वतंत्र हुआ उन्नीस के पास से चीन कितना भी जोर लगा ले, लेकिन अमेरिका को यह भी मालूम है कि चीन वहां पे मिलिट्री रूप से उस पर कब्जा करने की कोशिश हाल फिलहाल में तो नहीं ही करेगा और यह बड़ा एक आधार बनता है उसका क्वाड हो जिसमें भारत ऑस्ट्रेलिया और बाकी सब देश है वो खुद भी है या आई फाइव हो और वह एक पूरे इस एरिया में एक अच्छा खासा जिसके कारण वह चीन के तथा कथित साउथ सी में भी घुसता है जिस पर चीन का एकमात्र कहता है कि अधिकार है हाँ फिलीपींस उसके साथ है यह कह ले तो, तो इसलिए ताइवान उसके लिए केवल आर्थिक रूप से नहीं पूरे जियो और मिलिट्री स्ट्रेटेजी में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है और अभी तो पूरे पूरे के उसके चुनाव के बाद से उसके पहले से भी उसी के कब्जे में है जी हाँ कहीं ऐसा तो नहीं कि भाई ताइवान कब्जे में है और अब ताइवान में वही सरकार वापस आ गई है जिसको अमेरिका सपोर्ट कर रहा था अमेरिकी संसद की कोई नेता यहां पे आई थी और खूब हंगामा भी चाइना ने खड़ा किया था हमारे यहाँ का मीडिया भी अपने कोई चाल चरित्र और चेहरा खूब दिखा रहा था तो अब उन सरकार की वापसी के, के बाद ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पर भी एक जंग का नया मोर्चा खोल दिया जाएगा जंग की जहां तक बात है जो आपने कहा था कुछ वर्ष पहले एक दो वर्ष पहले यहाँ पे अमेरिकी सीनेट के कई प्रतिनिधि आए थे यहाँ पे और काफी हंगामा होता चीन ने कहा कि नहीं आने देंगे यह हमारे स्वतंत्रता का सार्वभौमिकता का उल्लंघन है इस सब के कहने के बावजूद वो लोग आए चीनी बेड़ा काफी हद तक उसने ताइवान के इर्द गिर्द में लगा रखे थे चीन से सटे हुए बॉर्डर जो ताइवान की तरफ है वहां भी अपने फौज तैयार कर रखी थी यू लगता था कि अब चीन आक्रमण कर ही देगा लेकिन कुछ नहीं हुआ वो अमेरिकी प्रतिनिधि आए वहां पे रहे भी और वो गए भी क्षण क्षण का जो होता है हमारे मीडिया में दिखाया कि अब चीन गया चीन बर्बाद हो जाएगा चीन लूट गया ना चीन ने आक्रमण किया ना अमेरिका ही ने कुछ किया जहां तक ताइवान में है चीन की एक दृष्टि है आजकल के नेता बहुत कहते हैं पच्चीस साल बाद हम ये होगा कोई गरीबी नहीं रहे अभी तत्काल में कोई बात नहीं करता चीन भी वही उसका लक्ष्य है कि हम अपने डिप्लोमेटिक तरीके से ताइवान के जनता को ताइवान के सत्ता को हम उसे संपर्क में रखेंगे और विश्व में स्थिति बना दे एक नौरू करके छोटा सा देश है उसने भी अपना ताइवान से डिप्लोमेटिक खत्म कर दिया जी तो हालांकि वो महत्वपूर्ण नहीं है और उसे लगता है या कम से कम अपनी जनता को दिखाने की कोशिश कर रहा है हाँ अमेरिका यदि युद्ध होता है तो उसके लिए एक बहुत बड़ा मुश्किल हो जाएगा लेकिन उसे मालूम है कि चीनी अमेरिकी नेताओं के बीच में विदेश मंत्री हो राष्ट्रपति हो हमारे शी वहां गए थे अभी युद्ध की वहां संभावना मेरे हिसाब से हालांकि संभव नहीं है क्योंकि मुझे लगा था कि मिडिल ईस्ट में युद्ध नहीं बढ़ेगा लेकिन वैसा हो रहा है तो कुछ हद तक तो अभी उसकी संभावना बहुत कम है लेकिन असंभव नहीं है हाँ तरफ रुख करते हैं। रूस की तरफ चलते हैं रूस में जाने से पहले यानी कि जो विदेश मंत्री है नॉर्थ कोरिया की वो जाने वाली है रूस के दौरे पर लेकिन उससे पहले नॉर्थ कोरिया ने हाइपरसोनिक मिसाइल का एक और एक्सपेरिमेंट कर डाला है तो क्या अपना नया प्रोडक्ट बेचने के लिए वो रूस जा रही है क्योंकि ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं आरोप लगता है कि यूक्रेन में रूस नॉर्थ कोरिया की मिसाइलें चला रहा है जहां तक नॉर्थ कोरिया की बात है वह एक ऐसा देश है रूस दे। रूस तो बहुत ताकत है ऐसा देश है जिसके पास एटम बॉम्ब भी है और स्पेस टेक्नोलॉजी में मिसाइल में काफी वह आगे है और अमेरिका के सारे धमकियों के बाद साउथ कोरिया के साथ अमेरिका कितने भी मिलिट्री एक्सरसाइज कर ले बड़े से बड़े कर ले वह नहीं डरता है वहां के जो शासक हैं वह बड़े ही ढीठ नहीं कहूंगा बड़ी ही हिम्मती और उनका एक स्ट्रेटेजिक व्यू अंडरस्टैंडिंग है कुछ समय पहले वह रूस भी गए थे काफी समय तक रहे थे ट्रेन से ही गए थे ट्रेन से वापस आए थे और अभी हाल फिलहाल में जापान कितनी भी कोशिश कर ले साउथ अब साउथ कोरिया कर ले उन्होंने इस मिसाइल का उसके पहले भी और यहां तक कि सैटेलाइट का भी मिलिट्री सैटेलाइट का भी उन्होंने आ, उन्होंने भेजा स्पेस में ताकि आगे की आगे उनकी ताकत बढ़ सके जहां तक नॉर्थ कोरिया वेपन की बात है स्मॉल एंड मीडियम रेंज की वो ऑलरेडी रशिया उसका इस्तेमाल कर रहा है पिछले छह महीने से हो सकता है उसके पहले से भी कर रहा और और भी देने की उसकी बात है और जो ये परीक्षण हो रहा है संभवता जो रशिया नहीं कर पा रहा है वो अब बेचने की बात तो है ही है लेकिन जो अभी रशिया के सही में जो उसको मदद कर रहे हैं ईरान के अलावा जिसने यूएवीज काफी दी वह नॉर्थ कोरिया है जो मिसाइल टेक्नोलॉजी के साथ वो रशिया को दे सकता है मान लेकर उसकी टेक्नोलॉजी रशियन टेक्नोलॉजी से कम भी है तो अभी संख्या की बात है जो रशिया उतना उत्पादन करने के बावजूद पहले के समय में चार पांच गुना करने के बावजूद चूंकि यूक्रेन के पास इतने खासकर यूएवीज और ड्रोन्स और लॉन्ग रेंज मिसाइल और सैटेलाइट आ गए उसके लिए इन चीजों की बहुत सख्त जरूरत है जो नॉर्थ कोरिया पूरा कर रहा है जी आपने सही जिक्र किया ईरान का तो यहां मैं पुरानी बॉलीवुड फिल्मों का एक डायलॉग आपके सामने रख देता हूं हमारा दोश्म, दोस्त तो ईरान की भी तनातनी रहती है अमेरिका से नॉर्थ कोरिया की भी तनातनी रहती है अमेरिका से और ये सब के सब रूस के दोस्त हैं बिल्कुल इसमें खासकर नॉर्थ कोरिया की प्रशंसा करनी होगी कि इनका अपना जो विचारधारा है जूशे कहते हैं जिससे मार्क्सवाद लेनवाद से अगला कदम बताते हैं उसको कुछ हद तक रोक के इन्होंने ऐसे देशों की भी मदद करने की बात की है जो एंटी अमेरिकन इम्पेरिस्ट मुहिम बनता है एक साम्राज्यवादी मुहिम बनता है रूस तो खैर है ही है इसमें ईरान का आपने जिक्र किया बहुत हद तक उसके साथ है खुतीस की भी ये मदद कर रहे हैं पूरी तरह से जो बहुत सारे पुराने समय के हुतिस के पास सोवियत जमाने के जो वेपन्स हैं स्पेशली रेडार और एंटी मिसाइल्स और एयर डिफेंस है उसको आगे बढ़ाने में इसमें नॉर्थ कोरिया पूरी तरह से कोशिश कर रहा है जहां भी उसे मौका मिले कि अमेरिकी पकड़ को विश्व के ऊपर कमजोर बनाने की बात है वह उस मुहिम में आगे है जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं अब रुख करते हैं हुतियों का तो हुतियों से जुड़ी आज की बड़ी खबर यह चल रही है कि हुतियों ने मिसाइल चलाई लेकिन अमेरिका ने उसको निष्क्रिय कर दिया क्या जानकारी है आपके पास क्योंकि पिछले लगातार तीन दिनों से तो हमले चल ही रहे हैं हाँ ये जानकारी तो है मेरे पास मैंने भी पढ़ा है कि हुतीज ने एंटीशिप मिसाइल मारा था और अमेरिकी अमेरिकी दावा है कि उसको उन्होंने जहाज में पहुंचने से पहले यानी जो वॉरशिप था पहुंचने के पहले उसे मार गिराया इसकी संभावना है जहां तक इन्होंने है इन्होंने तो मारा ही मारा और मारा किससे यह महत्वपूर्ण है उन्होंने जो जिस फाइटर का किया यह सी बेस्ड या अः एंटी मिसाइल बेस्ड जो सब से उससे नहीं था बल्कि इन्होंने फाइटर प्लेन का इस्तेमाल किया जो इनके एयरक्राफ्ट कैरियर से नहीं हुआ बल्कि लैंड बेस्ड एयरपोर्ट से हुआ और यह अमेरिका या इंग्लैंड से नहीं आ सकता इतनी दूरी से आके जा सकता इसका मतलब मिडिल ईस्ट में ही जो इनका बेस है कहीं पे जो आ, रेड सी के आसपास इलाके में कहां से ये नहीं पता चल पाया लेकिन किसी इनके तथाकथित मित्र जो ऊपर से कहने के लिए हूतियों के साथ होने के बावजूद भी फिलिस्तीन जनता के होने के बावजूद भी उन्होंने अमेरिका को केवल एयर स्पेस से नहीं ऊपर से नहीं अपनी जमीन भी दे रखी कि यहां से तुम फाइटर उड़ाओ मारो जी इस मित्र में सबसे बड़ा नाम निकल के आ रहा है कतर का लेकिन कतर बड़ा कमाल का देश है हमास के भी अड्डे हैं वहां ठिकाने हैं अफगानिस्तान में जो तालिबान है उनके भी वहाँ भी वहीं चलता है वो मीडिएशन इसराइल से भी कराता है बंधकों को रिहा भी कराता है मतलब वो अमेरिका का भी भला हमास का भी भला इसराइल का भी भला वो सबका भला है उसका धन संपत्ति बढ़ रहा है उसका पैसे की जो कमाने की जो अक्षम्य महान जो इच्छा है वो पूरा हो रहा है लेकिन यह विदेश नीति यदि यह युद्ध आगे बढ़ता है केवल कतर है नहीं बल्कि उसके साथ और भी देश एक या दो को छोड़ दे, तो उनकी स्थिति अच्छी नहीं होगी क्योंकि ऐसा लग रहा है कि अमेरिका ना चाहते हुए कि यहाँ युद्ध बढ़े लेकिन दो कारणों से एक तो इसराइल और इंग्लैंड के दबाव के कारण और दूसरे अपने जो यूक्रेन में जिस ढंग से इसकी हार हो रही है वहां से मुंह छिपाने के कारण और तीसरे चूंकि शुरुआत हो चुकी से कारण इसके जहां तक खबर आ रही है पूरे रेड सी में और आसपास के इलाके में मिडिल ईस्ट में इसके सेनाओं का बढ़ोतरी हो रहा है वह बढ़ा रहा है जी अब चलते हैं सीधे अमेरिका क्योंकि बाइडेन के सुर कुछ बदले बदले से नजर आ रहे हैं दो तरीके के वक्तव्य उन्होंने दिए हैं उन्होंने कहा है कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि गाजा में जो इसराइल की चीजें चल रही हैं कार्रवाई चल रही है उसकी शिद्दत में कमी आए और दूसरा वो बयान देते हैं कि साहब जो ये हुती है ना इनको आतंकवादियों की तरह ट्रीट करने की जरूरत नहीं है हुतीस को इन्होंने इस ढंग से कहा है कि वो आतंकवादी हो ना हो इनरेस्पेक्टिव ऑफ्टीज टेरिस्ट और नॉट हम अपना कार्रवाई जारी रखेंगे यह बता दूं कि इनके प्रेसिडेंट होने के पहले बाइडेन के समय के पहले टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अमेरिका ने करार दिया था बाइडेन के आने के बाद एक साल के अंदर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से हटा दिया गया कारण यह नहीं कि इनका दिल पसी गया या वहां के तथा कथित प्रोग्रेसिव पार्टीज और लोगों ने कहा कि भाई नहीं ये गलत हो रहा है बल्कि इसलिए कि अमेरिकी जो हेल्प थे एड्स थे जहां यमन में जाना था वह जाने में हुतीज नहीं आने दे रहे थे और कैसे देंगे आप टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कर वही मदद भेज रहे हैं आखिर मदद क्यों भेजना है मदद इसलिए भेजना यह अमेरिकी पॉलिसी रही है कि चाहे दुश्मन भी हो वहां तुम्हें मौका मिलता है तो वहां जनता के बीच में जाओ वहां विपक्ष के नेताओं के बीच में गुस्सा उसे तोड़ने की कोशिश करो अलग रहोगे तो पूरा का पूरा समाज और देश दुश्मन हो जाएगा इसलिए उन्होंने हटा दिया था और उसी चीज को बाइडेन हालांकि पिछले ही अक्टूबर या नवंबर में अभी तीन महीने पहले इन लोगों ने कहा था कि हूतीस को क्या फिर से टेरिस्ट ऑर्गेनाइजेशन करे लेकिन ये लोग नहीं कर रहे हैं यमन को नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनके अन्य जो ठिकाने हैं खासकर आई एस आई एस और बाकी सब लोग हैं, उनका भी तो दबाव होगा कि नहीं तुम हेल्प के नाम पे, एड के नाम पर जैसे ही घुसो और जितना कर रहे हो उतना करते रहो और हुतीस कहीं से पीछे नहीं हट रहे हैं जी क्या यही वजह है या कांग्रेस को बाईपास करके जिस तरीके से यमन पे हमला किया है और उसके चलते पूरे अमेरिका में बुरी तरह के घिर गए हैं बाइडन कई देश तो आवाज उठाने लगे हैं कि अगर अमेरिका में वाकई में कानून है तो बाइडन पे मुकदमा चलाओ कहीं वो असर तो नहीं है बाइडन पे मुकदमा चले या ना चले यह तो होता ही रहता है इनके इनके पहले ट्रम्प भी चला था क्या फिर से चुनाव लड़ेंगे और लड़े तो जीत भी जाएंगे यह अमेरिकी इतिहास में कुछ खास बात नहीं है कि संविधान या वहां के कांग्रेस को बाईपास इन्होंने कर दिया जहां तक इस पर्टिकुलर घटना की बात है इन्होंने जो भी जिस कारण से हो क्योंकि इनको मौका नहीं मिल पा रहा था इजराइल को हेल्प करने के लिए इन लोगों ने ऐसा किया इसके पहले ट्रम्प होते तो वह भी यही करते क्योंकि ये लोग इतने प्रो इस्राइलीज और वहां के जो जियोनिस्ट जियो है कि हर हालत में केवल प्रो जियोनिस्ट नहीं है बल्कि मिडिल ईस्ट में अपने सैनिक अड्डा को बरकरार रखने के लिए ये किसी भी हद तक जा सकते हैं और यही कारण है इसलिए ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हो ना हो ये कांग्रेस को बाईपास करे ना करे इनका पक्ष हो विपक्ष हो इनकी एक ही नीति है कि मिडिल ईस्ट को नहीं छोड़ सकते और आपने जैसे बताया कि पश्चिम एशिया में उसका पैर काफी हद तक उखड़ गया है और यूक्रेन में भी हार रहे हैं इसलिए कम से कम कुछ तो दबा कर रखे कंट्रोल में रखे फिर क्या है? आखिर इन्हें आतंकवादी संगठन घोषित करने में बाइडन को क्या दिक्कत है क्या दुश्वारी है कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है कि ऐसा करने से जो वो जंग से बचना चाह रहे हैं वो जंग उनके मथे चढ़ी जाएगी मथे चढ़ जाएगा दूसरे आप देखें सौ दिन पूरा होने पर कल और परसों से ही, पूरे विश्व भर में जबरदस्त जनता का उभार आ रहा है यहाँ तक कि वॉशिंगटन में चार लाख से अधिक लोग थे और यमन में तो शायद दस लाख से अधिक थे और पूरे विश्व में एक तो हंगामा उस आधार पर हो रहा है नंबर टू जो भी इनका चेहरा बचा हुआ था वहां मिडिल लिस्ट में और खासकर जरा ये देखें कि मिडिल लिस्ट के राजाओं का जी राजा ही तो है बादशाह वहां बने हुए ऊपर से कुछ और बोल रहे हैं नीचे से कुछ और बोल रहे हैं यदि यह युद्ध जारी हुआ जारी रहा और हूतीस को इन्होंने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दिया वह किस मुंह से फिर अमेरिका का सामना करेंगे उनके लिए और भी कठिनाई बढ़ेगी बल्कि मैं तो चाहूंगा कि जैसे इजिप्ट में सऊदी अरेबिया के जो तथाकथित राजा है चुने हुए ही सही है जनता ने चुना है जनता खड़ी हो इनके खिलाफ वहां की सेना खड़ी हो जाए विद्रोह कर दे इनके खिलाफ ताकि ये जनता के साथ मिलकर एक नई शासन का व्यवस्था कर सके जो अमेरिका के वहां के सत्ता को तोड़ सके जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं लेकिन अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की क्योंकि अभी लंबा चौड़ा दौरा करके अमेरिका का विदेश मंत्री तो गया है लेकिन खबर आ रही है कि अब ऑस्ट्रेलिया का विदेश मंत्री आने वाला है है और वो जाने के साथ साथ भी जाएगा ये चल क्या रहा ऑस्ट्रेलिया की स्थिति कहें तो उसकी अपनी स्वतंत्र विदेश नीति कुछ है नहीं वह पूरी की पूरी अमेरिकी जूते में घुस चुका है वो ठीक है जहां भी दौरा जा रहे हैं कर रहे हैं वो थोड़ा बताना चाहते हैं ऑस्ट्रेलिया के जनता को हम भी कुछ कर रहे हैं कुछ युद्ध का सामान कुछ दूसरे हो तो वो भी बेचने के लिए व्यापारी की हैसियत से जा रहे हैं ये भी देख ले कि जूलियना सांझे थोड़ा सा बात बदल रहा हूं जो वहां के पत्रकार हैं जो कई वर्षों से अभी भी इंग्लैंड के कब्जे में है अमेरिका को करने वाले हैं उसके खिलाफ ऑस्ट्रेलिया कुछ भी करने में असमर्थ है चुपचाप पड़ा हुआ है तो ऑस्ट्रेलिया की जहां तक विदेश नीति है ठीक है वो फाइव आइज में है क्वाड में है जो भी है अपनी सब की सब अपनी जगह को अमेरिका को देने का उसमें है लेकिन फिर भी इसके बावजूद जैसे कनाडा है उनकी स्थिति जो है दयनीय है जहां तक विदेश नीति की बात है उनका कोई खास महत्व तो नहीं है जी लेकिन ऑस्ट्रेलिया की चाइना से तो तनातनी है ना और चाइना का विदेश मंत्री अगर दौरा करके वापस जाता है और उसके फौरन बाद ऑस्ट्रेलिया का विदेश मंत्री इधर रवाना हो जाता है तो बहुत कुछ कहलाता है वही अमेरिकी दूत बन के अप्रत्यक्ष रूप से जा रहा है ताकि चीन के आर्थिक जो एक आक्रमण है वहां पे अपना प्रभुत्व बढ़ा रहा है उसको रोका जा सके उसमें मान लीजिए वहां के लोग अमेरिका से सीधे आज की हालत में वहां के जो भी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री या जो भी है मंत्री लोग सीधे के सीधे वह करने में असमर्थ है तो चीन को के प्रभुत्व तो कैसे घटा जाए तो ऑस्ट्रेलिया होगा कनाडा होगा इंग्लैंड भी नहीं हो सकता है तो जर्मनी और फ्रांस के हैं और इसीलिए यहाँ के नेता भाग के दौड़ के उस हर जगह में जाते हैं नजर आ ही रहा है यूरोप से लेके यहाँ इसराइल तक में लेके और ना कहीं मिलता है तो मुंह उठा के पहुंच जाते हैं वहां पे यूक्रेन में तो यही लोग कर रहे हैं एक दलाल की तरह काम कर रहे हैं और कुछ नहीं बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि सब जो है इनके एजेंट बन के घूम रहे हैं अब बात करते हैं अमेरिका के हालात को लेकर आयोवा में जो कुछ हो रहा है उसके बाद तमाम जगह रिपोर्ट्स ये छप रही है कि डोनाल्ड ट्रंप की प्रसिद्धि बढ़ रही है कहीं उसके चलते तो जो है बाइडन के सुर नहीं बदल रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप का आक्रमण बाइडेन पर तो सीधे के सीधे हो रहा है इस युद्ध में जाने का और हारने का भी दोष सिर्फ कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप जूनियर यानी उनके बेटे हैं उन्होंने भी कहा कि जो पत्रकार अभी यूक्रेन में मारा गया वो अमेरिकी पत्रकार था जनता को हमारे पता होगा उनका नाम है मीर या गोंजालिस लीरा विद नहीं गोंजालिस लीरा जिनको जिनको टॉर्चर देके के वहां के उसमें मारा गया और अमेरिकी प्रेजिडेंट बिल्कुल खामोश है अमेरिकी मीडिया खामोश रहा रूप से जबकि अमेरिकी के कुछ लोगों ने इसकी आवाज उठाई डोनाल्ड ट्रंप ने आवाज उठाया और इसके कारण यह तो साफ नजर आ रहा है नवंबर में यानी कुछ अब महीने रह गए हैं जो चुनाव आ रहा है उसमें जहां तक बाइडेन की बात है हालत खस्ता है और बाइडेन के पार्टी के लोग अब इनका विरोध करना शुरू कर दिए है क्या मजबूरी हो गई कि वहां के भी बड़े पूंजीपति और जो भी लोग हैं वित्त मंत्री है जो वॉर इंडस्ट्रीज के जो लोग हैं वो भी करें भाई, क्या, क्या बाइडन डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि उन्हें करना क्या है या वो कुछ भी कर देते हैं और बाद में सोचते हैं क्या उनकी मनोस्थिति है उनकी उम्र का कोई तकाजा है क्या लगता है आपको बिल्कुल है वह हमारे यहाँ के शब्द में कहें तो सठिया तो गई हैं जो बोलते हैं वह भी ठीक से नहीं बोलते हैं कुछ उल्टा कपल्टा बोल देते हैं पटांग भी बोलते हैं दिया कुछ जाता है कर कुछ और देते हैं वह भूल भी जाते हैं अमेरिका पे बात करते करते वह चीले पहुंच जाते हैं जो उनके मन में आता है और इसलिए वह एक एम्बारासमेंट है एक तरह की शर्मिंदगी है वह अपने पार्टी के लिए अपने सरकार के लिए और कहें तो पूरे अमेरिकी समाज के लिए जो उनको सपोर्ट करता है जी तो ऐसा व्यक्ति दोबारा चुनाव लड़ना क्यों चाह अधिकांश जगहों में देखे जिनके भी बेटे हैं भाई भतीजे वो फंसे हुए जहां ट्रंप के फंसे हुए वही इसराइल के प्रधानमंत्री के बेटे भी फंसे हुए हैं हर जगह या तो जहां उसको मौका मिला लूटने का वहां लूट रहा है और उसको बचाने की भी कोशिश कर रहे हैं और दूसरा चेहरा जहां तक इनके पार्टी का है डेमोक्रेट्स का है वह नजर नहीं आ रहा है तो शायद वह एकमात्र सहारा है इसके बावजूद कि वह एक बन गए हैं उनकी विदेश नीति फेल हो चुकी है और उनका जो भी मिलिट्री जो काम चला है उनके आने के बाद से वह सफल नहीं हो पा रहा है यहां तक कि हूतीस के खिलाफ भी सफल नहीं हो पाया है जी बराक ओबामा के समझाने का भी कोई असर नहीं हो रहा है वो बार बार जा रहे हैं बाइडन के पास <laughs> बराक ओबामा क्या करे बराक ओबामा हालांकि कहने के लिए उनके पास पीस प्राइज मिला हुआ नोबेल का हालांकि ऐसे ही लोगों को मिलता है जिन्होंने युद्ध में काफी जनता को विदेशों को मार रखा है उनके समय में जितने अमेरिकी ड्रोन्स का कई मुस्लिम कंट्रीज में और हजारों बेगुनाहों को उन्होंने मरवाया अब उनकी बात क्या कहे उनके कहने से क्या हो सकता है कुछ सिखाते हो समझाते हो कि भाई विदेश नीति जो कर रहे हैं वो गलत हो रहा है लेकिन क्या करें यह बोलने से चूकते नहीं जो मर्जी आता है बोल देते हैं और इसीलिए मैंने पहले बार कहा था कि पेंटागन यानी अमेरिकी मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन का हेड और वॉशिंगटन यानी पोलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का हेड जिसके राष्ट्रपति की हम बात कर रहे हैं बाइडेन की इन दोनों में खटपट चल रही है और इसी कारण जो बार बार कहते हैं वहां के रक्षा मंत्री लॉयड जो कि अंदर पड़े हुए बेचारे वास्तव में ही बीमार होंगे उनका क्या हो रहा है 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 पता नहीं नहीं उनको भी भी एक तरह से कर दिया गया जी उसको हटा भी नहीं रहे हैं और कोई नया रक्षा मंत्री ला भी नहीं रहे हैं और ये क्लियर नहीं कर पा रहे हैं बाइडन कि आखिर उनको अंधेरे में क्यों रखा गया उनके रक्षा मंत्री की बीमारी को लेकर कुल मिला के ये है कि समझ नहीं आ रहा है कि बाइडन क्या करना चाहते हैं ये वही बाइडन है जो एक जमाने में नेतनयाहू को फटकार लगाया करते थे लेकिन आज वो नेतनयाहू की तुम छल्ला बन के रह गए हैं बहुत शुक्रिया आपने बहुत सारी चीजों पर रोशनी डाली और बहुत अच्छे से बताया फिर आपके साथ किसी और मुद्दे पर जुड़ने की कोशिश करेंगे बहुत शुक्रिया थैंक यू मिस्टर